इंडिया के तीन नेबर पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। दोस्तों इन सभी में कॉमन क्या है? तीनों देश इकोनॉमिक हार्डशिप से जूझ रहे हैं एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों जहां पाकिस्तान और श्रीलंका ये लोन अपने दिवालियेपन यानी कि इनसॉल्वेंसी के लिए ले रहे हैं, वहीं बांग्लादेश की इकोनॉमी इन सभी देशों से ज्यादा रेजिलिएंट है और बांग्लादेश ये लोन प्रिकॉशन के तौर पर ले रहा है सो दैट इस लोन से बांग्लादेश अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर पाए। जनरली किसी भी कंट्री के लिए 3 मंथ का इम्पोर्ट कवर इंटरनेशनली गुड प्रैक्टिस माना जाता है, लेकिन बांग्लादेश के पास 4 मंथ का रिजर्व है। वहीं पाकिस्तान और श्रीलंका के पास सिर्फ 15 से 30 दिनों का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा है। लेकिन दोस्तों जैसा आपको पता है कि IMF के लोन के साथ कंडीशंस भी जुड़ी होती हैं और इसीलिए बांग्लादेश को भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, जैसे कि बेटर लोन रिकवरी मैकेनिज्म्स, आउटडेटेड लॉज जैसे कि बैंक कंपनी एक्ट 1991 को अपडेट, मार्केट ड्रिवन फ्यूल प्राइसेस और इम्प्रूविंग GDP to tax रेशियो।